मेरा कहीं रहने का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। तो जनाब मैं आपका स्वागत करता हूँ पोल अप कोल्ड के पास। तो यू लव अम्याकॉन? आई लव अम्याकॉन। -71.2 इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑन अर्थ। ये उतना भी गर्म नहीं है, 5 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए डुबकी लेके सारे पाप धो लूं। कमास दादा। सबसे ज़्यादा ठंडी जगह दुनिया में रहने वाली यही है। तो मैं तान्या के घर आ चुका हूँ और ये है तान्या। नमस्ते। तो गाइस अम्याकॉन तो आ गया हूँ बट रहने की कोई जगह नहीं मिल रही। तो कुछ भाई साहब मिले थे यहीं पर, तो वो खोज रहे हैं, पता नहीं कहीं गए खोजने के लिए। वो लोग अभी है भी नहीं और मैं कार में बैठा हुआ हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है यार। एक होटल तो है लेकिन काफ़ी चार्ज कर रही है, 5,000 रूबल मांग रही है। अराउंड इंडियन रुपीज़ में हो गए मान के चलो 6,000 रुपये के आसपास। 6,000 रुपये एक रात के, यार बताओ काफ़ी महंगा नहीं है हमारे जैसे बैकपैकर के लिए। तो मैं कहा कि इतना एफर्ट तो मैं नहीं कर पाऊँगा बट अगर देखता हूँ क्या ऑप्शंस मिलते हैं। कोई ऑप्शंस नहीं मिले तो मुझे रहना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर तो मर जाऊँगा, बाहर जिंदा नहीं रह पाऊँगा। अगर सोचा भी बाहर रहने का मैं जाके कुछ अगर वो मुझे कुछ अभी इन भाई साहब से मदद नहीं मिलती है तो मैं कुछ जाके लोगों को अप्रोच करूँगा, जाके नॉर्मल घरों में जाऊँगा और कहूँगा भाई टूरिस्ट हूँ, काफ़ी बजट बैकपैक करूँ, 6,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या मैं आपको 2-3 हज़ार रुपये दे देता हूँ, आप क्या आपके घर पर रह लूँ। ट्राई करूँगा अगर हो जाए तो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही होटल है, हॉस्टल है यार, हॉस्टल भी नहीं है, हॉस्टल है और काफ़ी ज़्यादा भाव बड़ा हुआ है उस हॉस्टल वाले का। तो लोकल से पूछना पड़ेगा, देखता हूँ आपको अपडेट करते रहता हूँ। ये भाई साहब अगर कुछ हेल्प कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भी अच्छी बात है। तो इन भाई साहब के घर पे आया और खाना पीना खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ है मेरा। थका हुआ हूँ लेकिन लोग काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कुछ बातें हुई इनसे, मैंने काफ़ी कुछ सवाल याद किए क्योंकि जो मेरे मन में जो सवाल थे जो मैंने बचपन से इस ठंडी जगह के बारे में रखा था सारे कुछ पूछ लिया। वैसे दिखाता हूँ क्या क्या खा रहा हूँ मैं। ये कुछ मीट था और उसके अंदर कुछ था, रोटी है, ये सब है, तख्ती बे सबूत, दकिया अंतिबिया अनका स्पेशली बबल सॉरी मक्तल। थैंक यू वेरी मच इन लोगों को जिन्होंने मुझे अपने घर पे होस्ट करने के लिए राजी रखा। सर्दी सी हो गई है बट ठीक है यार, ठंडी जगह पे रहूं मैं। मेरा कहीं रहने का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। ये भाई साहब किसी हमें दूसरे फैमिली के पास ले जा रहे हैं और शायद वहाँ मैं रहूं, मुझे आइडिया नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं खाना पीना खाने के लिए आया था और काफ़ी अच्छा खाना लगा, पेट भर गया, थोड़ी राहत मिली क्योंकि यहाँ पर कोई कैफे नहीं है। इस शहर में कोई कैफ़े नहीं है, सिटी में कोई कैफ़े नहीं है, गांव में कोई कैफ़े नहीं है, जो भी समझ लो सिटी गांव शहर। तो आपको कहीं खाने पीने के लिए भी आपको लोकल लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। चलो जो ऑप्शन है वही करना पड़ेगा बाहर, लेकिन बाहर का नज़ारा खूबसूरत है। यार यहाँ लोगों का एक्सपीरियंस भी गजब है गाड़ी चलाने का, मतलब इतनी स्नो पड़ी हुई है मेरे से गाड़ी ना चलाया जाए बट ये लोग भाई साहब गाड़ी रगेद रहे हैं दौड़ा रहे हैं गाड़ी को स्नो में, गाड़ी फिसल रही है लेकिन इनको इतना ही पता है कि फिसलाना कैसे है, कहाँ से फिसलाना है जो कि टर्न लेगी, कहाँ से करना है वो टर्न लेगी। वाह यार ये एकदम यूनिक है और यूनिक एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो जनाब मैं आपका स्वागत करता हूँ पोल अप कोल्ड के पास। ये है अम्याकॉन, मिनिमम टेम्परेचर -71.2 और ये बोल के मैंने बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी कुछ फेमस है। -71.2 इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन द इनहेबिटेंट टाउन। वैसे आज का तापमान ठीक काफ़ी गर्म है, -36 डिग्री सेल्सियस है जो कि यहाँ का के हिसाब से काफ़ी गर्म है, बट कल तापमान काफ़ी घटने वाला है, कल यहाँ पे -55 के आसपास होगा मैंने देखा था। और ये कुछ नेबरहुड है और ये दो जना मुझे लेके आए हैं। डू यू लव अम्याकॉन? आई लव अम्याकॉन। आई लव अम्याकॉन। ये क्रिसमस ट्री रहा और उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उस साइंटिस्ट का नाम पता नहीं,
उसकी उन्होंने ये तापमान दर्ज किया था, -71.2 इज़ द मिनिमम टेम्परेचर ऑन अर्थ, कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जनाब मुझे यहाँ लेकर आए हैं, ये है यहाँ पे एक हॉट रिवर है वो दिखाने के लिए। सोचो यार कुदरत देखो, इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर गर्म पानी है, और देखो ये बर्फ़ पिघलता नहीं है, ये उतना भी गर्म नहीं है, 5 डिग्री सेल्सियस है, -5 नहीं +5 डिग्री सेल्सियस है। वाओ दिस समथिंग ग्रेट यार, नाइस। मन तो कर रहा है कि इसमें एक डुबकी लेके सारे पाप धो लूं, बट यार ठंड है यार, बाहर का तापमान पता नहीं कितना है और अंदर का तापमान भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि गर्म पानी है ये, 5 डिग्री सेल्सियस है, ठंडा ही हुआ यार ये तो। कुछ ऐसा नज़ारा है ये, और यहाँ पर एक ये बनाया गया है अंदर वगैरह गर्म वगैरह करने के लिए, लकड़ी वगैरह जलाओ खुद से और डुबकी मारो इसमें, अंदर आ जाओ, आइडिया बुरा नहीं है यार। वाह यार, मतलब हैरानी हो रही है मुझे इस बात को देखकर, काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है। भाग अंदर यार, अब ठंडी लगने लगी, हाथ काम नहीं करने लगे, देखो कैसे हाथ हो गया है मेरा, लाल हो गया हाथ मेरा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, क्या ये लोग नहाने वाले हैं क्या, मुझे नहीं पता। थैंक यू भाई इन लोगों को जो मुझे यहाँ लेकर आए। अरे यार अब कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा यार, कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा, रुको मैं अपना दस्ताना लेके आता हूँ पहले। कमास कमास दादा, अब तो स्टॉप हम। तो ये भाई साहब मुझे स्कूल लेके आए हैं, देखते हैं यहाँ की स्कूल कैसे होती है। ये इकलौता स्कूल है इस गांव में। तो इस स्कूल में एक थिएटर टाइप का कुछ है, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है बच्चों का, और ये बैठने की जगह मुझे लगा ये सिनेमा हॉल है, बट ये कुछ प्रोग्राम वगैरह का कुछ कुछ ऐसा है यार। यहाँ अभी भी सोवियत की साइन लगी हुई है, घोड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है यकुतियन कल्चर में। तो भाई ये है पूरा ओम्याकोन के बारे में, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, इंटरेस्ट फ्रॉम फ्रांस, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूएसए, फिलीपींस, मोनाको, जापान, सिंगापुर, ताइवान, इटली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, साउथ अमेरिका, हंगरी, ब्राज़ील, इजराइल, साउथ कोरिया एंड इंडिया का नाम नहीं लिया यार। द एवरेज अटेंडेंस ऑफ विजिटर इन अ ईयर इज 166। अच्छा, एक साल 160 लोग आते हैं, और ये सनसेट हो रहा है, काफ़ी मस्त नज़ारा है यहाँ से। चलो चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ तातियाना के घर पे, ये है मेरे पीछे तातियाना का घर जहाँ मैं आज रात को रहने वाला हूँ, परंतु अभी मुझे कुछ हंसी आ रही थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ, थोड़ा फनी है बट सोचा शेयर कर देता हूँ। मैं भी गया था टॉयलेट करने के लिए, तो ना मैं तो कर रहा था टॉयलेट, बट इतने ठंड के कारण काफ़ी उड़ रहा था ऊपर, अगर आप यहाँ पे गर्म पानी को ऐसे फेंकोगे वो नीचे गिरेगा ही नहीं, फॉग बन के उड़ जाएगा और फॉग गिरेगा, स्नो गिरेगा, स्नो तो कुछ ऐसा यहाँ ठंड करती है।
तो काफ़ी मस्त नज़ारा है ओमयाकॉन का, दुनिया की सबसे ठंडी जगह। और मेरा बैटरी भी इतना जल्दी मरता है, क्या बताऊँ यार, बैटरी का कुछ करो यार, समझ नहीं आ रहा। तो दुनिया की सबसे ठंडी जगह यहीं पर रिकॉर्ड की गई थी, -71.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि आज तक दुनिया का सबसे ठंडा रहने वाला जगह है। हालांकि अंटार्कटिका इससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, बट सबसे ज़्यादा ठंडी जगह दुनिया में रहने वाली यही है, -71.2 डिग्री सेल्सियस। और ये तातियाना के आसपास का नज़ारा है, आपको तातियाना से भी मिलाऊँगा। ये आसपास का नज़ारा है, सनसेट हो रहा है, वही यहाँ पर सनसेट 3 बजे हो जाता है, तो अभी 3 बजे के आसपास चल रहा है और ऑलरेडी सनसेट होने वाला है। और ये उनका घर है, लेकिन सनसेट का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। अब चलता हूँ अंदर, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने सारे कपड़े नहीं पहने हैं, ऐसे सिर्फ टॉयलेट करने के लिए बाहर आया था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है खोलने के बाद, एक ओमयाकॉन का आम सा घर जैसा है, छोटा वाला गेट है वहाँ से, ओए आजा खुल जा। हाँ, अंदर से काफ़ी गर्म है ना, नेत नहीं है दा ओसिन को लदना दा रिजवाइस हां रिजवाइस इज दिस दा दा स्पेसिबल दा दा स्पेसिबल। तो मैं तान्या के घर आ चुका हूं और ये है तान्या। नमस्ते, इधर आस्ते बिचो रास्ते как дела хорошо хорошо спасибо большое вот хайо как же इधर आस्ते बिचो इधर आस्ते बिचो बिलिम बोला Нет, он не был. Он здесь не был, ты да? А? Раньше был здесь. Нет, нет, не был. Раньше, говорит, приезжал сюда. Нет, все. Не понятно. Ага. Вот, что я кушаю, вот, я чай пью. С кем разговариваешь? Как? Оладьи. Оладьи. And this? Варенье. Варенье. And masala, масло. Масло. Спасибо большое for the food. And he's your son, Sun? Sun? Sin, sin. Sin. Да. Как тебя зовут? Я это, Вова. Уба. Как? Владимир. Владимир. Меня зовут Суба, очень приятно. Ага. Как Путин звать меня? Владимир. Путина знаешь? Путин знаешь, да? Да, я. А, Владимир. А. Понял, да? Да, понял. Вон раха. Thank you for the food. Что? I said, спасибо for the food. Ида. То мере сате Владимир, инсе кафи куч бате о рей ти. Ор мене инсе пуча ки апне апни жиндиги ми сабсе кам тапман китна жела ор каб жела е. То е бата рете ки 2-3 сал пехле яхан ка тапман -67 дигри жала гиа та. -67. तो भाई साहब मुझे डर लग गया सुन के ही, -67 में क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं गेट यूज्ड टू हो चुका हूँ इस तापमान का, और ये इसी तापमान में पैदा हुए यार, यहाँ भी इनका जन्म हुआ था। तो एक नॉर्मल सी है, जिस तरह हमारे इंडिया में, जिस तरह मैं लाइक दिल्ली में टेम्परेचर अगर 45-40 चले जाता है, भले ही हम लोग चिल्लाते हैं कि काफ़ी गर्म है, लेकिन यूज टू एंड नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। अगर यहाँ बोल रहा है ये भाई साहब बता रहे थे कि अगर यहाँ तापमान 35 चले जाता है तो लोग मतलब घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो इंडिया में 35 तो आम है, तो उसी तरह हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। तो ये लोग भी जो इस तापमान के यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कम है हमको भी लगता है यार, -67 मतलब यार ठीक, कपड़ों उनके पास भी है, इनके कपड़े इनके जैसे हैं, और अंदर का तापमान तो हमेशा नॉर्मल सा रहता है, अंदर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, बाहर का तापमान भाई -67 वगैरह भी है। तो कपड़े इनके पास हैं ऐसे यार कि जो बाहर जाया जा सके, और बाहर ये लोग सिर्फ कुछ काम के लिए जाते हैं या कुछ काम हो तो जाते हैं, आम जिंदगी चलती रहती है, टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।